आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर के माल गोदाम चौक स्थित राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह की प्रतिमा स्थल पर जय रविदास सेवा समिति का एवं मंडला से आए नृत्य दल का सम्मान समारोह आयोजित कर उन सभी का सम्मान हुआ। इस अवसर पर गढ़ा गोंडवाना संघ के किशोरीलाल भलावी एवं राजेंद्र चौधरी, एडवोकेट बालकिशन चौधरी सहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जबलपुर मध्य प्रदेश से हरीश पटेल की रिपोर्ट। संस्कार दानी जबलपुर में आओ ना आप तो आओ। अरे इधर आओ नेताजी। संस्कार दानी जबलपुर में पहली बार आयोजन तो पहले भी होते रहे लेकिन पहली बार जो आयोजन हुआ है 5 फरवरी 2023 को संतों के संत संत रविदास जी की 646वीं जन्म दिवस के अवसर पर जो रैली निकाली गई उस पर पूर्व में जो भी होता रहा लेकिन इस बार सभी आदिवासियों को ST SC माइनॉरिटीज़ को जोड़ा गया और देश पर जो घटनाएं हो रही है उस पर तैलचित्र निकाल लगा कर जो जागरूकता का परिचय रविदास जय रविदास सेवा समिति ने जो प्रस्तुत किया उस पर आदिवासियों ने एक अपना एकता का परिचय देते हुए नृत्य पेश किया। मंडला के महिला पुरुषों और बच्चों को लेकर जो नृत्य पेश किया उस पर आज राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के प्रतिमा स्थल पर 14,000 रुपये की नगद राशि उन नृत्यकर्ताओं को दिया गया जो जय रविदास सेवा समिति की ओर से वो उसको गढ़ा गुणवाना संरक्षण संघ सदैव याद रहेगा रखेगा और उन्हें धन्यवाद देता है कि इस तरह का आयोजन करें जिसमें देश एकता की रहे और रविदास जी को लोग माने। मैं किशोरीलाल भलावी गढ़ा गुणवाना संरक्षण संघ जबलपुर संभाग। भैया बताएं। संतों के संत संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी की 646वीं जयंती अभी 5 फरवरी को 2013 को 23 को आयोजित हुई थी जिसमें एक विशाल शोभा यात्रा दमोनका से ग्वारी घाट के लिए रवाना हुआ था जिसमें इस बार हम लोगों ने विभिन्न झांकियाँ निकाली थी देश समाज के ऊपर और हमारे बड़े भाई श्री किशोरीलाल भलावी जी संभागीय अध्यक्ष गढ़ा गुणवाना संरक्षक संघ द्वारा एक नृत्य दल जिला मंडला से बुलाया गया था और जिन्होंने बहुत ही अच्छा नृत्य प्रस्तुति देकर हमारे समाज के जो कार्यक्रम था उसमें 4 चांद लगाया और अनुसूचित जाति और जनजाति का जो एक तालमेल है उसको बढ़ाया। इस अवसर पर विशेष सहयोग के लिए मैं श्री भलावी जी और जय रविदास सेवा समिति के सभी सदस्यों का आज हम लोगों ने यहाँ स्वागत अभिनंदन किया। मैं एडवोकेट बालकिशन चौधरी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।